Hello everyone, I'm Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video we are going to discuss about types of array. Already we are covering C language with detail in basics. So jo bhi learners school ke college ke ya kisi bhi university ko belong karte, if you want to revise to wo sare previous ko zarur cover up kare, because isme humne bahut basic se cover kiya hai. Usi series ko aage badhate hue in this video we are going to discuss one dimensional array, how we are going to declare it and we will see with the example. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें. Now, in C there are mainly three types of array: single dimensional, double dimensional and multi dimensional. आप इस दोनों को मिला के मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हो, करेक्ट? बिकॉज डबल डायमेंशन डेट इज 2D को हम या 3D को हम मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हैं. Now, what is single dimension? तो इस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, दिस इज द डेटा टाइप, दिस इज द एरे नेम, दिस इज द साइज. ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका 4 वैल्यूज स्टोर होने वाला, डेट इज हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसका बनाया. जब आप एरे लिखोगे तो एरे में ये 4 वैल्यूज स्टोर होंगी, 10, 20, 30 एंड 40. बिकॉज कि इंटीजर का बाइट साइज क्या होता है, 2 बाइट. हिंस अगर हमने पहले एड्रेस को 1000 पे रखा है तो 20 कहाँ पे स्टोर होगा, 1002 पे, 1004 पे एंड देन 1006 पे. अब हम यहाँ पे आपको मैं आपको सिखाऊंगी कि इंडेक्सिंग किस तरीके से आप यूज़ करोगे. डैट इज़ ये वाला जो ब्लॉक है, पहला ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम क्या होगा, एरे का जीरोथ इंडेक्स. इसका नाम क्या होगा, एरे का फर्स्ट इंडेक्स. इसका नाम हो जाएगा एरे का सेकंड इंडेक्स एंड दिस इज एरे का फोर्थ इंडेक्स. बट हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 3. 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप जीरो से काउंट करोगे 1, 2, 3, डैट इज़ हाउ मच नंबर, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे हमने साइज का लिखा है 4. तो इस तरीके से हम किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हैं एंड उसको एक ही साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं. ओके, दिस इज रिटन हियर, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कैन बी वन वेरिएबल नेम, यूजुअली ओनली वन सबस्क्रिप्ट एंड सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड सिंगल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल और सिंगल डायमेंशन एरे. दिस इज नोन एज व्हाट, सिंगल डायमेंशन एरे. एंड द फॉलोइंग फिगर शोज हाउ एरे एलिमेंट्स आर लोकेटेड इन व्हाट कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन. जब मैंने आपको एरे का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे ये समझाते हैं व्हाट इज़ द यूज ऑफ एरे, एरे क्यों बनाते हैं. लेट अस सपोज हमने क्या बताया था आपको कि एक मार्क्स अगर आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स का स्टोर करना है तो आप अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे या आप एक ही वेरिएबल बनाओगे और उसमें एक ही टाइप के वैल्यूज को स्टोर करोगे एंड इसका स्टोरेज कैसे होगा, कंटिन्यूस. ठीक है, सो दिस वॉज वन डायमेंशनल एरे. तो वन डायमेंशनल एरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, तो मैं पहले भी बता रही हूँ एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स, ये सारा आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए. ओके, लेट अस सी अ प्रोग्राम फॉर शॉर्टिंग एन एरे यूजिंग बबल शॉर्ट. तो देर आर सो मैनी प्रोग्राम जो शॉर्टिंग के आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है. मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाऊंगी और आपको ये टास्क रहेगा कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम को खुद से ट्राई करें. ओके, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और यहाँ पे आप पूछ सकते हो. अदरवाइज इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट होगा आप लिख सकते हैं. पहले ये बता दूँ जो भी अगर नए मेम्बर्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग का थोड़ा भी आइडिया नहीं है, शॉर्टिंग क्या है, शॉर्टिंग, दिस वर्ड शॉर्टिंग, आप यहाँ पर नंबर को देखिए. शॉर्टिंग मीन्स आइदर वो असेंडिंग होगा या वो डिसेंडिंग होगा. व्हाट डज इट मीन, असेंडिंग का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, सो ऑन. डिसेंडिंग का मीनिंग सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवेन है, दीज आर नोन एज मिक्स वैल्यूज. ठीक है, 10 है, 9 है, 7 है, 100, 1001 है. तो हमने क्या किया, ये सारे इंटीजर वैल्यूज है, इसको अलग अलग वेरिएबल्स में ना स्टोर करके हमने एक सिंगल वेरिएबल बनाया है ए, और उसमें हमने इसको स्टोर कर लिया. डेट इज़ एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा और इसमें आप क्या करोगे, सारे वैल्यूज को स्टोर करोगे. डेट इज़ 10, 9, 7, 1001, 23 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरीके से हमने स्टोर कर दिया. अब आपको मैं यहाँ पे ये और बताना चाहूँगी, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है. तो आप ये सोचेंगे कि एक ही बार में दो दो वैल्यूज़ क्यों स्टोर हुआ, ये कंपाइलेशन एरर देगा. बट दिस इज़ नॉट द केस, आप रिडंडेंट वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है. एरर तभी आएगा
जब आपके किसी सिंटेक्स में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो आप इजिली देख सकते हो जब आप इसको एक शॉर्टेड फॉर्मेट में, डेट इज असेंडिंग ऑर्डर में, जब आप इसको आंसर को आउटपुट देखेंगे तो 23 आपके 2 times यहाँ पे प्रिंट होगा, इट विल नॉट गिव एनी कंपाइलेशन एरर। अब यहाँ पे बात आती है कि शॉर्टिंग हमें बनाना, इसका लॉजिक क्या होगा। लॉजिक ये होगा कि अब आप सोचो कि एरे में आपने, अगर लेट्स सपोज मैं 2 number का बताती हूँ, यहाँ पे मैंने 10 स्टोर किया, 9 स्टोर किया, 7 स्टोर किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 0th पोजीशन पे है, ये 1st पोजीशन पे है, आपको क्या करना है, एरे का जो 1st पोजीशन पे है क्या वो ग्रेटर देन है एरे के 1st एलिमेंट से। अगर है, इट मीन्स ये वाला एलिमेंट ग्रेटर है, मतलब बड़ा है। लेट्स सपोज ये 10 है, 9 है, ठीक है, इट मीन्स कि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर हो गई। यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, 9 को यहाँ पे शिफ्ट करना है और 10 को इधर शिफ्ट करना है। 9 को आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है और 10 को इस तरफ शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट किसका आएगा, स्वैपिंग का। स्वैपिंग मीन्स जैसे आप स्वैप कर देते हो ना अपने ब्रदर्स में, जो ट्विंस होते हैं स्वैप कर देते हो, सिमिलरली आप क्या करोगे, लेट अस सपोज एक्स और वाई 2 variable है, जहाँ पे मैंने 1 स्टोर किया, इसे मैंने 2 स्टोर किया। स्वैपिंग मीन्स कि ये अगर सपोज आपने इनपुट दिया है तो आउटपुट पे मुझे आंसर क्या आना चाहिए, एक्स में स्टोर होना चाहिए 2 और वाई में स्टोर होना चाहिए 1। इट मीन्स वैल्यूज गॉट चेंज्ड, ठीक है, दिस इज नोन एज स्वैपिंग। तो यहाँ पे आपको स्वैपिंग ही करना है। तो स्वैपिंग का लॉजिक क्या होगा, तो आप कैसे कर सकते हो, एक यहाँ पे टेम्प्रोरी वेरिएबल ले लीजिए, उसमें लेटर सपोज हमने एक्स की वैल्यू स्टोर कर दी 1, ठीक है, उसके बाद 1 को यहाँ से डिलीट करिए, फिर y की वैल्यू को इसमें स्टोर कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2, x की वैल्यू क्या हो गई 2, यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे फिर क्या करिए, इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। इट मीन्स पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने x की वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, x में हमने y की वैल्यू को इंसर्ट कर दी, इसके बाद हमने क्या किया, y में टेम्प की वैल्यू स्टोर कर दी, हो गया स्वैपिंग का प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी इंटरव्यू में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड सेम लॉजिक को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सिंपल यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट वैल्यू को यूज़ कर रहे हो, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल वेरिएबल्स, दीज आर एरे वेरिएबल्स, तो एरे में यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग से आप इसको स्वैप करोगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ सॉर्टेड एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे दीज आर द वैल्यूज, ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पहले इसको इससे चेक होगा, उसके बाद अगर वैल्यूज छोटी बड़ी है तो ये यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, फिर इसकी नेक्स्ट वैल्यू से चेक होगी, उसके बाद फिर इसकी नेक्स्ट वैल्यू से चेक होगी, तो कैसे होगा, 10 times एक ही काम आपको करना है। तो अगर आपको एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हमने क्या सीखा था, आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी। लूप में हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप में क्या है, हमें एरे के 10th पोजीशन तक जाना है, हेंस i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 10th पोजीशन तक रन होगी। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे i की वैल्यू को स्टोर किया है, दैट इज अगर हमने इसको i लिया है, तो यहाँ से हमने j को लिया है, तभी तो आप इस दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे ना। तो हमने यहाँ पे 2 loop लिया और उसके बाद यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक लिखा है। तो इस तरीके से आपका ये ऑटोमेटिकली सारे वैल्यूज जो एरे में स्टोर है वो यहाँ पे स्वैप होके प्रिंट होंगे। तो दिस इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अब उनका ये लॉजिक होना चाहिए कि आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स खुद से करने हैं, प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड मैं आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर इसी सेम प्रोग्राम को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, उसके लिए मुझे इस पूरे प्रोग्राम में कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट आपको लॉजिक बिल्ड करना आएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमको आउटपुट पे क्या चाहिए, 101 आएगा पहले, इसके बाद 78 आना चाहिए, इसके बाद 44 आना चाहिए, देन 34 आना चाहिए, देन 23 आना चाहिए, इस तरीके से आपका आना चाहिए। तो क्या लॉजिक चेंज करेंगे आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम 2 dimensional को और मल्टी डायमेंशनल को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करते हैं।
So if you have any doubt, just put down in the comment section. Thanks for watching. Thank you so much.